हे गाइस, तो स्वागत है आपका सरिता झा के रेसिपी एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आप सबको चैत्र की नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैंने नवरात्रि स्पेशल ही कुछ रेसिपी लाई हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है साबुदाना। साबुदाने को मैंने अच्छे से धो लिया है, इसको दो तीन पानी में धो लें इसको, और फिर धोने के बाद इसको लास्ट में हम पानी डाल के छोड़ देंगे करीब 2 से 3 घंटे। तो इसको चलिए रख देते हैं ढक के थोड़ा देर भीगने के लिए। तो अब लेते हैं हम सांभे का, ये चावल लिया है मैंने। तो चावल को हमें पकाना है, तो इसको भी अच्छे से वॉश कर लेना है। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे होते हैं, तो इसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और दोपहर में ही मैंने भीगने के लिए डाल दिया था साबुदाना को वॉश करके। तो अब ये शाम का टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये बना लिया जाए। व्रत है, व्रत में फिर शाम रात में खा भी लेंगे। तो अब मैंने लिया है ये आलू, एक खीरा, टमाटर और मिर्च। तो आप लोग क्या क्या बनाते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो आलू को मैंने छील लिया है वॉश करके। तो चावल देखिए, चावल भी पक चुका है। मैंने बहुत कम बनाए हैं क्योंकि मैं अकेली व्रत में हूँ, ये भी ज़्यादा हो गया है। व्रत में तो हम थोड़ा सा ही खाते हैं ना। तो चलिए आलू को तो कद्दूकस कर लिया मैंने, अब अच्छे से इसको वॉश कर लेना है कद्दूकस करने के बाद, ताकि इसके अंदर की जो वो है निकल जाए। अब ये हमने 4 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 इलायची लिया है, इसको कूट लेंगे। कूट के ये देखिए इस तरह से कूट लेना है। अब एक पैन लेंगे, पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे। तो घी जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे जीरा। तो जीरा चटकने के बाद इसमें हम डालेंगे कटी हुई टमाटर और मिर्च, इनको अच्छे से भून लेना है। तो अगर आप व्रत वाले नमक का यूज करते हो तो इस टाइम आप नमक ऐड कर दीजिए, और फिर कुटी हुई काली मिर्च, लौंग, इलायची पाउडर, इन सबको मिक्स कर देना। क्योंकि मैं नमक नहीं खाती हूँ तो मैं इसलिए नमक नहीं ऐड की हूँ। तो अब ये टमाटर पक चुका है, तो ये कद्दूकस किया हुआ आलू डाल देंगे, और इसको भी हमें चलाना है 2 से 3 मिनट, जब तक कि ये थोड़ा सा वो ना हो जाए। तो नमक अपने अपने ऊपर है, कोई कोई नमक खाता है, कोई कोई नमक नहीं खाता। तो मैं तो नमक नहीं खाती हूँ, फिर भी 9 दिन का सवाल है तो कुछ तो खाना पड़ेगा, तो ये हेल्दी भी होता है। और साबुदाना भी भीग चुका है हमारा। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्सर में पीस लेंगे, क्योंकि हमने साबुदाने को पानी वेस्ट नहीं करेंगे, इसी में डाल देंगे, वॉश करके हमने डाला था। तो देखिए पीस चुका है। तो ये हमारी आलू की सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। तो ये झटपट बनाने के लिए मैंने ये तरीका आजमाया, कद्दूकस करके डाला। और ये हम ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर देंगे अगर आप खाते हो तो। और ये लिया है हमने बैटर, जो हमने साबुदाना का बैटर तैयार किया था। तो अब पैन लेंगे, सब्जी को मैंने दूसरे में रख दिया है, तो पैन में थोड़ी सी हल्की सी घी चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अब इसमें हमें क्या करना है, साबुदाने को जो हमने पीसा था वो साबुदाना इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसमें 1 कप मैंने दूध भी डाल दिया था, उसके लिए सॉरी, मैंने दिखा नहीं पाई। और चीनी ऐड कर देंगे। तो ये तैयार है हमारा व्रत का खाना, चावल, आलू की सब्जी और साबुदाने की खीर और सलाद में खीरा। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप नवरात्रि स्पेशल कैसे मना रहे हैं, क्या क्या खाते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।